मित्रों नमस्कार, जय हिंद। और प्यारे से दोस्तों कैसे हैं? आज हम लोगों का मन था दोनों ही लोगों का, अरे भाई बेटी रिया वर्मा। और रिया वर्मा कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी सही है। दोस्तों बस आज आप लोगों से मिलने का मन था और कुछ बातें शेयर कर दी थी आपसे, सोचा कि क्यों ना चलो आज वीडियो बना के जो है आप लोगों से शेयर कर दे। तो पहली बात दोस्तों ये है कि आज है क्या आपका 21 मई है, 21 मई है और 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, ठीक है ना? या क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे। क्या बात है, टी का क्या मतलब होता है? टी मतलब चाय। अरे वाह, चाय पीते हो? चाय की बात करते हो प्यारे दोस्तों। तो रिया कुछ खास बात है, कुछ आपने बनाया है इंटरनेशनल टी डे के रूप में? हाँ। क्या बनाया है बताओ जरा हमारे। मैंने वीडियो बनाया, उत्तराखंड पे अपलोड किया है। ओके, और उसमें जानकारी दी है। जब प्रारंभ हुआ हो तो जानती थी, आप लोग वीडियो जरूर देखना। ओके, तो कहाँ डाला है आपने? उत्तर विजन पर। अच्छा, उत्तर विजन पर डाला है। ओके, तो क्या पूरा वीडियो है शॉर्ट वीडियो है? शॉर्ट। अच्छा शॉर्ट है, ओके। पेरेंट्स बच्चों शॉर्ट वीडियो आप समझते हैं ना, तो कम से कम 59 सेकंड का होता है। तो रिया वर्मा ने उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पे इंटरनेशनल टी डे के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपको जाकर के विजिट करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों बताना है कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है रात को ठीक 9 बजे। कल मैंने लाइव क्लास स्टार्ट करी थी ब्रांचेज ऑफ साइंस। परसों की बात करें तो दोस्तों मैं आया था लेकिन तकनीकी कुछ खराबी हो गई थी तो मैं आपको लाइव वीडियो नहीं दे पाया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो है कल मैंने ब्रांचेज ऑफ साइंस का पार्ट 1 मैंने दिया था और आज पार्ट 2 मैं दूंगा, जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी लाइव क्लास उत्कर्ष विजन पे, ठीक है ना? चैनल की जो लिंक है मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो और रिया वर्मा बताएं कि इस समय टाइम कैसा कट रहा है आपका, जो लॉकडाउन है, स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, तो क्या करते हैं आप जरा बताइए? मैं वीडियो डालती हूँ। ओके, तो इससे मेरा जो टाइम है वो मतलब मैं टाइम तो अपने मतलब तनवर तय पाती हूँ और जगह जगह पे वीडियो पे डालती हूँ। ओके, और इसके अलावा सेल्फ स्टडी करते हैं? हाँ। अरे वाह, हमारे बच्चों से भी तो बोलो कि आप सेल्फ स्टडी क्या करना चाहिए, बच्चों को बताओ जरा। आप लोग सेल्फ स्टडी आते हैं क्योंकि पता नहीं तब ये तो ना तभी चला जाएगा फिर। हाँ, और अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की होगी तो फिर आप जब मतलब टेस्ट हो तब आप नहीं लिख पाओ। नहीं, आप तो आएगा थी टेस्ट में क्या करना, इसलिए तैयारी जरूर करते रहिए। यदि मैं ही पढ़ती हूँ तेरी पापा ने ट्यूशन लगवा दी है। ट्यूशन बच्चों, ये भी घर पे बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। और ये बात कोरोना की, तो कोरोना तो हर हाल में एक दिन जाएगा ही जाएगा, हर हाल में हम लोग कॉन्फिडेंट होकर के उसको हरा पाएंगे, यही बात बतानी थी, ठीक है ना? और इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देंगे, दोनों से हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके ओके ओके, इसके अलावा आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे? और दोस्तों मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, मैं एक तो यूट्यूब चैनल उत्तर विजन है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल जिसमें वीडियो डालती हूँ रिया अकेडमी के नाम से, तो आप जाइए और जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ प्यारे दोस्तों, रिया अकेडमी के नाम से बिटिया रानी का यूट्यूब चैनल है, उसमें ये वीडियो डालते रहते हैं, तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यही बात इस वीडियो के माध्यम से बतानी है, चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं और बढ़िया बिंदास तरीके से जो है स्टडी करते जाएंगे, सेफ रहें। और अच्छा, कोरोना से बचाव के लिए कुछ बच्चों को बताएंगे कोरोना से कैसे बचना है? हैंड सैनिटाइजर रहिए और किसी जगह पे ना जाइए और दूरी बनाते रखिए, हैंड सैनिटाइजर करते रहिए और ज्यादा किसी से रिश्तेदार या फिर कहीं ना जाए, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। एक बात तो आप भूल गए ऐसा लग रहा है, मास्क का प्रयोग करना है। मास्क तो जरूर प्रयोग करना है। हाँ भाई देखो, भी मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मास्क प्रॉपर मास्क। और हाँ, सबसे बड़ी बात देखो सुनो, मास्क भैया प्रॉपर लगाना है। प्रॉपर का मतलब ये कि नाक मुंह कवर होना चाहिए, कुछ लोग नीचे लगा लेते हैं, कुछ लोग कान में लटका लेते हैं, कुछ लोग मास्क के अंदर ही छेद कर लेते हैं अर्थात खाने के लिए। ये कलाकारी भैया मत करो, मास्क मास्क होता है, प्रॉपर यूज मास्क करिए, कोरोना को हल्के से मत लीजिए, इन्फेक्शन होता है, फेफड़े खराब हुए तो .. फुल स्टॉप। इसलिए प्यारे से दोस्तों बात को समझिए, जीवन मिला हुआ है, जीवन को बचाना है, और अगर कोई प्रभावित हुआ है तो जितना हर संभव मदद हो जाए उसकी मदद भी करें जिससे कि वो बेहतर महसूस करे, ठीक है? ये बात बतानी थी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय जय हिंद।